हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिया पप्पी सोबट्टा। आज मैं इस वीडियो में बिहार पुलिस को लेकर बात करने वाली हूँ। आखिर इतनी देरी क्यों, सरकारी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन क्यों नहीं आउट हो रही है, फॉर्म भरने की तिथि क्यों नहीं आ रही है। तो वीडियो को पूरा वॉच करना, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, इस चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और थोड़ा सा शेयर कर देना है। मेरा एक टारगेट है, 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा जुलाई में, तो थोड़ा 1 लाख का टारगेट था बट नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं, मेरी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी है, मैं आप लोगों से नहीं बोलूँगी। और बिहार पुलिस की वैकेंसी में इतनी देरी क्यों, अब इंतज़ार भी ख़त्म हो रहा है। इंतज़ार ख़त्म कहाँ हुआ है बच्चा, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अब बोले क्यों। ऐसे सब 8415 का मेरिट लिस्ट आने वाला था, कब आएगा, आ गया ना, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं ना कैंडिडेट, इसी तरह वैकेंसी आ जाएगी। सब में मेरा एक कॉमन बात रहता है, वैकेंसी आएगी उसी बच्चा का सिलेक्शन होगा जो तैयारी पूरी तरह से करते हैं। और एक बात आप लोग को एक बात बैठ गया है माइंड में कि सेटिंग पे होती है। तो एक एग्ज़ाम्पल मैं आप लोग को देना चाहूँगी, छोटा सा। दूध देख रहे हो क्या, दूध, ठीक है छोड़ो, दूध को छोड़ो, सोना, 24 कैरेट सोना की आभूषण नहीं बनती है। आभूषण बनाने के लिए कुछ मिलावट करना पड़ता है, तब जा करके एक आभूषण तैयार होता है। तो शुद्ध तो कुछ भी नहीं होता है, शुद्ध कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्त। लेकिन हाँ, मैं यही बोलूँगी कि आप फालतू की बातों पे अपनी माइंड को डिस्टर्ब ना करें, और फोकस ऑन योर गोल, ओनली वन फोकस ऑन योर गोल। आपका जो गोल है उस पर एकदम टारगेट होना चाहिए। जैसे एक बगुला जो होता है मछली के लिए एक टास्क पको ध्यान। और हाँ, बहुत का सवाल ये रहता है मैं 8 घंटे नहीं सो पाता हूँ। देखो, आप बॉडी को जिस तरह से ढालोगे ना, जैसे आपको 4 घंटे की नींद लेने की आदत हो जाएगी तो आप 5 घंटे नींद नहीं ले पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको 8 घंटा सोना ही है। आप जिस तरह से इस बॉडी से काम लीजिएगा उस तरह से आपको ये बॉडी काम देगी। अब मुझे देख लो, कल मैंने बहुत दिन के बाद बूट पहनी, आज पिछवाड़ से मिलना था मेरे को, अब मेरे पैर में इतना छाले हो गए, इसमें दिख नहीं रहा, इतने छाले हो गए हैं कि मतलब अब मैं शूज़ भी नहीं पहन सकती हूँ। तो ये बॉडी को ना, जितना आप बोलेंगे मैं कमज़ोर हूँ, उतना आप कमज़ोर होते जाएंगे। जितना आप बोलोगे मैं स्ट्रांग हूँ, आई एम स्ट्रांग पर्सन, तो स्ट्रांग रहोगे। और हाँ, पढ़ाई के लिए जितनी बुक्स हैं, ज़्यादा बुक्स ला करके रेक पर नहीं सजवाना है। बस आपको, फ़िलहाल मेरे रेक पर बर्तन है, वो मेरा बर्तन नहीं है, रेक भी नहीं सजाना है, बुक को पढ़ना है मेरे दोस्त। और पता है क्वेश्चंस कहाँ से आती है पता है, बुक से आती है भाई। सो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर रहे हैं ना, वो भी आपकी तरह पढ़ने वाले स्टूडेंट थे। आप में से ही कोई IAS बनते, कोई IPS बनते, एग्ज़ाम का क्वेश्चंस जो है कौन सेट करता है, मगर बाहर से आते हैं क्या, बताइए ना। नहीं, वो स्टूडेंट ही होते हैं जो क्वेश्चन सेट करते हैं, उस लेवल पे चले गए होते हैं। और सोचो आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए। जो किसी ने 3 साल, अब मेरा YouTube है, मैं YouTube पे मतलब जल्दी सक्सेस मेरे को नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं ऐसी जगह चली हुई जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, जहाँ बिजली की सुविधा नहीं है, और बहुत ऐसी है जहाँ मेरी 4 महीना कंप्लीट हो गई। मैं वहाँ रह तो रही हूँ, लेकिन मेरा सांस ना वहाँ घूमता है, लेकिन कोई बात नहीं, आई विल मैनेज। कोई भी सिचुएशन हो, आपको रहना ही पड़ेगा। नौकरी होने के बाद भी आपकी लाइफ जो सोचोगे चेंज हो जाती है, नहीं होती है। और बटन की तरह, बटन के अंदर ना आप दब जाते हो, बोझ के तले आप जब दब जाते हो। नौकरी होने के बाद भी आपको चेंज नहीं है, ये नहीं सोचिएगा कि नौकरी हो जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी, ना बाबा ना, ये गलती मत कीजिएगा सोचने का, नहीं तो बहुत पछताओगे। मैं भी यही सोचती थी कि मैं जाऊंगी, मनपसंद जगह मिलेगी, जैसा चाहूंगी वैसा ड्रेस पहनूंगी, नहीं,
हर जगह वही सोसाइटी है, बस जगह चेंज होता है, हर जगह वही सोसाइटी है, वही दादी है, वही नानी है, वही समाज है, वही मतलब सारा रिलेशन है। आप गलत करोगे तो आपके चर्चे होंगे, सही करोगे तो आपके चर्चे होंगे। डिपेंड ये करता है कि आप किस तरह से हैंडल करते हो। और बुक्स ज़्यादा नहीं लेना है, लेकिन कम भी नहीं लेना है, कम भी नहीं लेना है इस जनरल कंपटीशन की दौड़ में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करना, और मेरा 1,00,000 टारगेट कंप्लीट नहीं कराओगे ना आप लोग, नहीं कराओगे मेरे को पता है, क्योंकि मेरे हार्डवर्क में कमी है थोड़ी सी, इसलिए मैं नाराज़ नहीं हूँ। ठीक है, कमेंट्स करना मेरा वीडियो कैसा लगा।